हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में अपन जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वो कौन सा था अपने पास? इंडिकेटर्स। सर, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, क्या काम आते हैं ये? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं एसिड और बेस के बीच, कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस? कि मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन करा कि मेरे पास एक ग्लास है, उसमें कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है ना, मैं आपको कहूंगा कि आप ये बताइए कि दैट ये एसिड है या बेस है, तो आपको कोई यहाँ H+ आयन या OH- आयन थोड़ी दिखेंगे कि सर एक ग्लास है उसमें आपने सॉल्यूशन रखा है, उसमें हम H+ आयन हमें दिख जाएंगे, हम कह देंगे एसिड है, और OH- आयन भी हमें दिख जाएंगे, हमारे लिए विजिबल है तो ये बेस। बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको H+ आयन दिखे आपको OH- आयन। तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस, या यू कह सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, आइदर इट्स नेचर इज एसिडिक और बेसिक, अपन क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अब इंडिकेटर्स होते क्या है कि एक ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर और अपनी स्मेल चेंज करते हैं, उसे अपन क्या कह देते हैं? इंडिकेटर्स कह देते हैं। कि अपन ने बहुत सारे इंडिकेटर्स की बात करी, सबसे पहले जैसे लिटमस सॉल्यूशन की बात करें तो ये अपने को किससे मिलता है? लाइकेन से। कि सर लाइकेन आपने 9th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा लाइकेन के बारे में, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में होता है बताना कभी मेरे को ना। तो आपके पास क्या है कि लाइकेन से लिटमस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो लिटमस सॉल्यूशन इज एन इंडिकेटर। ये आपके पास क्या है? एक इंडिकेटर। ये क्या करता है? डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर देता है, इसका जो नेचुरल कलर है उससे अलग कलर देगा। लाइक नेचुरल कलर जो इसका है वो आपके पास कौन सा होता है? मैंने बताया था दैट वॉयलेट कलर। अब अगर एसिड में इसको डिप करेंगे, एसिड में इसको मिक्स करेंगे और बेस में इसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर, एक में रेड दे देंगे एक में ब्लू दे देंगे। ऐसे ही अपन ने बात करी थी फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन के बारे में बात करी तो मैंने आपको बताया था फिनोफ्थेलिन जो है खुद एक कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस इंडिकेटर, इसका खुद का कोई कलर नहीं है ना, बट अगर ये एसिडिक मीडियम में जाएगा तो कलरलेस ही रहेगा, बेसिक मीडियम में जाएगा तो ये क्या कर देगा? लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिनोफ्थेलिन से अपने को क्या पता चला कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक। तो इंडिकेटर के लिए शॉर्ट में मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि वो सब्सटेंस जो डिफरेंशिएट करने के काम में आते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो आइदर एसिडिक है और बेसिक, बस। यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशन में, डिफरेंट नेचर के सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अगर एसिड ज्यादा होता तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं, बेस कंटेंट ज्यादा होता तो उसको बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स का, कि आपको पता चले कि ये एसिड है। क्लियर है? अभी क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे। अभी अगर क्लियर है तो सर हैंड रेज बहुत करवाते, अरे पता चले ना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करें आपको। नहीं समझ आ रहा हो तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करें आपको, है ना। तो ये बातें थी इंडिकेटर्स। मैंने कुछ इंडिकेटर्स वो भी बताए थे आपको, स्मेल चेंज होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, लाइक ओनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला, क्लोव ऑयल, इनकी भी स्मेल जो है एसिडिक मीडियम में तो जैसी है नेचुरल स्मेल वैसी ही रहती है, बट जैसे ही आप मीडियम चेंज करते हो एसिड से बेस में लेके चले जाओगे उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। नेचुरल इंडिकेटर में मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था टर्मरिक, कौन से कलर का होता है? येलो का। एसिड में कौन से कलर का? येलो का, बट बेस में जाते ही रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो अपन ये बता सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स है वो क्या करते हैं? डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं, जिससे अपने को पता चल जाता है कि जो अपना सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। ओके, तो अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में अभी तक? अपन ने डिस्कस कर लिया एसिड की डेफिनेशन, उससे पहले अपन ने क्या डिस्कस करा था? व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद अपन ने डिस्कस करा एसिड की डेफिनेशन,
जो अरेनियस ने दी थी ना, अकॉर्डिंग टू अरेनियस दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन नोन एज एसिड एंड दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH- आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेस। अभी तक अपन ने क्या देखा है, एसिड और बेस की डेफिनेशन देखी है, साथ में अपन ने इंडिकेटर देखा है। अब अपन आगे क्या चलेंगे, अब अपन आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा कि प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक फिजिकल और एक केमिकल। एक तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल, और एक आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज में, और सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एसिड की भी और बेस की भी। बट जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो आ जाती है, वहां पर केमिकल रिएक्शंस आती है। क्या आती है, केमिकल रिएक्शन। तो अपने को सारी रिएक्शन याद नहीं करनी है, फिर रट्टा मारने बैठ गए, दिस प्लस दिस प्रोडक्ट दिस, दिस प्लस दिस प्रोडक्ट दिस, दिस प्लस दिस प्रोडक्ट। रट्टा नहीं मारना है अपने को। मैं आपको एक एक ही लाइन लिखाऊंगा, एक इक्वेशन लिखाऊंगा, उस इक्वेशन को अपने को लर्न करना है, फिर कोई भी आ जाए रिएक्शन उससे रिलेटेड, अपन दो मिनट में कर देंगे उसको, क्लियर है। तो आइए देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले आज क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सर हम अगर लेमन खाते हैं तो हमें वो खट्टा लगता है, सोर लगता है, ठीक है ना। सर चाउमीन जो खाते हैं उसमें विनेगर जो डाला जाता है वो खट्टेपन के लिए डाला जाता है ताकि वो थोड़ा सा सोर हो जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट एसिड्स आर दैट सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। खट्टे होते हैं ये, तो कोई भी ऐसी कंपाउंड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको अपन खा सकते हैं, एडिबल है, जो वो अगर सोर इन टेस्ट है तो उसका मतलब क्या है कि वो एसिड है। क्या है वो एसिड, लेमन ले लीजिए एसिड है, ठीक है ना, विनेगर ले लीजिए एसिड है, टोमेटो ले लीजिए हल्का सा खट्टा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस के कारण से कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, सो ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट करने के लिए एक लिटमस टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर। एक तो था लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन था वो कौन से कलर का होता है, वॉयलेट कलर। यहां पे अपन किसके बारे में देखेंगे, लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं बच्चों, कौन कौन से, एक तो होता है रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, और एक होता है आपके पास ब्लू लिटमस पेपर। एक तो आपके पास रेड लिटमस पेपर और एक कौन सा होता है, ब्लू लिटमस पेपर। जब आप किसी एसिड के सॉल्यूशन, किसी एसिड के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डिप करते हो तो वहां पे आता है नो चेंज। वहां पे क्या आता है, नो चेंज। रेड लिटमस पेपर अगर आप किसी एसिड के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो वहां पे क्या आएगा, नो चेंज। बट अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर डिप कर दिया तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर, ठीक है ना। कि आपके पास अभी मैंने बताया लिटमस पेपर, पेपर आते स्ट्रिप आती है पेपर की, एक रेड कलर की होती है, एक ब्लू कलर की होती है। एक कौन से कलर की, रेड की, एक कौन से कलर की, ब्लू कलर की, ठीक है ना। रेड लिटमस पेपर जो है उसको अगर आप एसिड में डिप करते हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा,
रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। अगर आप क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं किसके अंदर, एसिड के सॉल्यूशन में, गौर फरमाना किसके अंदर, एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। ठीक है ना, तो लिटमस पेपर टेस्ट क्या करना है आपको, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लू होता है। रेड को अगर एसिड में डिप करोगे तो नो चेंज, ब्लू को अगर डिप करोगे तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी, अगर आपको पता हो तो। सर कौन सी, मैंने कहा था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सभी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, दैट एसिड आर एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन प्रॉपर्टीज तो अपने को अभी देख, अब स्टार्ट होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सर एसिड, एक बात और बता दें यहाँ पे बच्चों, एक्वो सॉल्यूशन नहीं भूलना है, aqueous solution of acid can conduct electricity because of formation of ions. Ions के formation के कारण ये क्या कर सकते हैं, electricity को conduct कर सकते हैं। कि सर कैसे, मैंने कहा बच्चों HCl का aqueous solution लिया मैंने, कि ये किसमें decompose होगा, H plus plus किसमें, Cl minus, तो किसका formation हुआ, ions का। अभी ions क्या करेंगे, movement करेंगे, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, या अपन कह सकते हैं दैट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इतना क्लियर है जल्दी से हैंड रेज कर दो, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आ जाएगा। वाई ऐसे क्वेश्चन आ जाता, देखो क्या क्वेश्चन आ जाता, इसी चैप्टर के क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ड्राई HCl और आ गया आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ही तो अपने आयंस में क्या होगा, डिसोशिएट होगा। कौन लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को रेड में और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा, एक्वस HCl। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ही तो किसका फॉर्मेशन, एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी तो आयंस का फॉर्मेशन होगा, और आयंस का फॉर्मेशन होगा तभी तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ आ गई बात, तो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो ध्यान रखिए। ओके चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, एंड्रेस कर दीजिए बच्चों, बहुत कम एंड्रेस हो रहे हैं यार, दो दो बार कोई मत करना ना, एक बार समझ आ गया तो करना, अदरवाइज दोबारा एक्सप्लेन कर देना। ओके, ये तो हो गए तीन प्रॉपर्टीज, बहुत इजी थी, सोर होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में और रेड लिटमस पेपर को रेड में ही रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ओके आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन, अब आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें फर्स्ट आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखो एसिड की रिएक्शन करानी है मेटल के साथ, कि सर मेटल्स तो इतनी सारी हैं, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, बहुत सारे मेटल्स हैं, तो हम कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, टिन है, लेड है, तो सर हमें क्या सारी की सारी इक्वेशन लर्न करनी है, अपने को तो एक इक्वेशन, कि सर जी कौन सी, एसिड लिया आपने, साथ में आपने क्या लिया, मेटल। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा
रिएक्शन करने पर हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपने को हमेशा दिमाग में बात याद रखनी है। व्हेन एनी एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? बाहर निकालेगी। क्लियर है? देखो बच्चों, एक्टिविटी भी करेंगे अपन, पर पहले थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो दें चैप्टर के बारे में कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट प्लस वाटर का। अब बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि कौन सी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है, विच मेटल कैन रिएक्ट विथ एसिड। कौन कौन सी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते? सर पता कैसे चलेगा हमें पता कैसे चलेगा सर इसके बारे में? मैंने कहा यार ये तो बात बड़ी, एसिड भी कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे ये भी ध्यान रखें डाइल्यूट एसिड। सर डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है? देखो कोई भी सॉल्यूशन हो वो दो टाइप का होता है, एक होता है अपने पास कंसेंट्रेट और एक अपने पास होता है डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि एसिड के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा होगा, और कंसेंट्रेट का मतलब यह होता है कि अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होगा। कि सर समझ नहीं आया कहना क्या चाहते हैं, चलो समझाते हैं। मिल्कमैन होते हैं जो दूध बेचते हैं, वो क्या करते हैं देखो, वो दूध में पानी मिलाते हैं, कुछ जने मिलाते हैं कुछ जने नहीं मिलाते हैं। तो दूध में वाटर अगर ऐड करना, किसी भी सॉल्यूशन में अगर अपन वाटर ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? डाइल्यूशन। यानी कि जैसे बात करी मिल्कमैन की, मिल्कमैन ने गाय से दूध निकाला, दूध निकालने के बाद में क्या कर रहा, उसमें वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड कर रहा है तो मतलब वो वाटर का डाइल्यूशन कर रहा है, और उस मिल्क को अपन अब कहेंगे डाइल्यूट मिल्क। कौन सा मिल्क कहेंगे? डाइल्यूट मिल्क। अगर वहां पे वाटर ऐड नहीं कर रहा होता है तो उस मिल्क को क्या कहेंगे? कंसंट्रेट मिल्क। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है, अमाउंट ऑफ मिल्क ज्यादा है, तो वो कंसंट्रेट होगा। अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं? डाइल्यूट कह देते हैं। तो ऐसे ही एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेट, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेट एसिड में, कंसंट्रेट एसिड को जब वाटर में ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डाइल्यूट बन जाता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा, ठीक है ना, और कंसंट्रेट का मतलब क्या होगा? जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा। डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करता है जब मेटल के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कौन सी मेटल जो है वो रिएक्शन करती है डाइल्यूट एसिड के साथ कि वो क्या कर सके? हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सके। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज देखी, फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम आयरन टिन जिंक लेड फिर हाइड्रोजन फिर कॉपर फिर Ag फिर Hg फिर Au है ना, कुछ आया था। देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो हाइड्रोजन से ऊपर थे और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो हाइड्रोजन से नीचे थे। जैसे हाइड्रोजन से नीचे की बात कर लेते हैं, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Hg हो गया, Au हो गया, ये हाइड्रोजन से नीचे। हाइड्रोजन से ऊपर जैसे आपके पास टिन हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, आपके पास कैल्शियम हो गया, आपके पास मैग्नीशियम हो गया, है ना, आपके पास सोडियम हो गया, आपके पास यहाँ पे एल्यूमिनियम भी आ जाता है, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर थे, ये हाइड्रोजन से नीचे थे, हाइड्रोजन को ब्लॉक कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी थी आप लोगों ने तब देखा था। मैंने कहा दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव
देन हाइड्रोजन एंड दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दीज आर मोर रिएक्टिव, दीज आर लेस रिएक्टिव. ये लाइन हटा देते हैं बीच में कि कौन सी मेटल रिएक्शन कर सकती है. These metals are more reactive, these are less reactive. So, जो more reactive होती है can displace hydrogen gas from dilute acid, can displace hydrogen gas from dilute acid, और ये hydrogen gas को displace नहीं कर सकती. तो ये रिएक्शन तो मेटल के साथ, सॉरी ये मेटल जो है वो रिएक्शन ही नहीं करती एसिड के साथ, ये मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करती. ये मेटल्स रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. किसका फॉर्मेशन करती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का. कि अगर मैं ऐसे लिखूं लाइक Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो मेरे को में क्या है प्रोडक्ट मिलेगा, ZnSO4 प्लस H. तो ये रिएक्शन पॉसिबल है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. अगर मैं ऐसे लिखूं Na प्लस 2HCl डाइल्यूट, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है. आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2, यहाँ पे इसको बैलेंस करो बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या मिलेगा सर, तो कुछ नहीं मिलेगा. रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन ही नहीं है. तो जब भी कोई डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन एन एसिड, अ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ एनी मेटल देन व्हिच गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस. बट द लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन नहीं कर सकती डाइल्यूट एसिड के साथ. ओके, समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी से हैंड रेज कर दो बच्चों, समझ आ गया हो तो. अगर ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देखेंगे, बट इससे पहले इसकी भी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बताएंगे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू.